नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या भारत में हिंदू माइनॉरिटी के अंदर आ सकते हैं क्या? आप सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है कि हिंदू माइनॉरिटी के अंदर, वो भी भारत में? सर ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आज पता चलने वाला है कि माइनॉरिटी को डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन सा समुदाय माइनॉरिटी के अंदर आएगा, नेशन लेवल के ऊपर या स्टेट यानी राज्य लेवल के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी के अंदर है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया मिला है, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखने की टेंशन नहीं है, लिखा लिखा है, आपको सब कुछ मिलेगा, बस आराम से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई, याचिका डाली थी अश्विनी उपाध्याय जी ने। अश्विनी उपाध्याय जी ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाल के केंद्र सरकार से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पीआईएल का जवाब दिया है। तो केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि राज्य सरकारें अब हिंदुओं सहित किसी भी धार्मिक और भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। देखिए सरकार ने क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, किसको पावर है? राज्य सरकार को पावर है कि अगर वहां पर एक कोई राज्य है, बोले तो पंजाब हो गया या हरियाणा हो गया या राजस्थान हो गया, बोले पंजाब में जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है तो हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा देना है, तो ये पंजाब सरकार दे सकती है, उनके पास ये पावर है। ये केंद्र सरकार ने जवाब दिया है इस पीआईएल का जो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? केवल केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा के आधार पर भी, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब यहां पर इस याचिका के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जो मैंने आप लोगों को बताया। किसने डाली थी? अश्विनी उपाध्याय जी ने इसमें डाली थी, क्योंकि वहां पर काफी सारे राज्य हैं हमारे देश के अंदर, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, स्टेट्स भी हैं, जहां पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है और उनको माइनॉरिटी का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो यहां पर जवाब मांगा था। तो जिसमें राज्य स्तर पर, देखिए ध्यान रखना क्या कहा था, राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए केंद्र सरकार कुछ निर्देश जो है वो जारी करें, जो जारी किए गए हैं उनकी मांग की गई थी। ये अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए किसके लेवल के ऊपर? राज्य स्तर के ऊपर, नेशन लेवल के ऊपर नहीं, केवल स्टेट्स लेवल के ऊपर पूछा गया था। और एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्पसंख्यक शब्द जो है, यानी जो माइनॉरिटी जो शब्द है, संविधान के काफी सारे अनुच्छेदों में तो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दी गई है। हाँ, यूज जरूर कर लिया गया है इसका। क्लियर? अब मामला क्या है इसको समझते हैं। देखिए याचिका में यानी पीआईएल में जो कहा गया कि भारत के 6 राज्य हैं, भारत में 6 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है, लेकिन उनको जो माइनॉरिटी के लिए जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनको आज तक लाभ ही नहीं मिला है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए लक्षद्वीप के अंदर 2.5% ही हिंदू है, मिजोरम के अंदर 2.75% हिंदू है, नागालैंड के अंदर 8.75% हिंदू है, मेघालय के अंदर 11.53% हिंदू है, जम्मू कश्मीर 28.44% हिंदू है, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31.39%, पंजाब में 38.40% हिंदू है। तो एक तरीके से देखा जाए तो माइनॉरिटी के अंदर वो कंसिडर होते हैं और यहां पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी बनकर रह गए है। तो यहां पर ये माइनॉरिटी के अंदर हैं, तो इनको सरकार के द्वारा या जो संविधान के अंदर जो माइनॉरिटी के लिए जो राइट्स हैं या फिर कहें कि उनके लिए जो सुविधाएं दी गई हैं वो इनको लाभ मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि किसी भी राज्य ने इनको माइनॉरिटी का दर्जा दे नहीं रखा। तो अब इनको राज्य जो है वो माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं और वो वहां पर माइनॉरिटी के लिए जो योजनाएं हैं उनका वो लाभ उठा सकते हैं। क्लियर? तो अब यहां पर जो ये राज्य हैं, यहां पर बोला गया कि टीएमए पाई फाउंडेशन वाद 2002 और बाल पाटिल वाद 2005, ये केस हुए थे, दो केस हुए थे 2002 के अंदर टीएमए पाई फाउंडेशन और 2005 के अंदर बाल पाटिल, ये दो केस हुए थे। इसमें फैसला दिया गया था जहां पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए राज्य के आधार पर। क्लियर? राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं, ये दो फैसले हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसला दिया था। तो टीएमए फाउंडेशन ये जो केस है 2002, ये क्या है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन, मतलब कि आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया और उसको आप चला रहे हो, तो
वहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 30 के प्रयोजन के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाना चाहिए। पहले तो देखिए, हमारे संविधान के अंदर दो आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल 29 है, एक आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 29 और 30 दोनों जो है माइनॉरिटी से रिलेटेड है कि अगर कोई माइनॉरिटी हो, भले ही वो धर्म के आधार पर हो चाहे वो भाषा के आधार पर हो, तो वो अपने लिए अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, उसको संरक्षण करना है, तो अपने लिए अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं और उस इंस्टीट्यूट को वो चला सकते हैं। लेकिन वो माइनॉरिटी होगी कैसे किसी स्टेट के अंदर, ये डिसाइड कौन करेगा? ये खुद स्टेट डिसाइड करेगा कि भाई हमारे यहां पर ये समुदाय है, इसकी संख्या कम है और यहां पर इसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि वो आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 का लाभ उठा सके। क्लियर? बाल पाटिल विवाद, जो ये बाल पाटिल केस जो 2005 में हुआ था, इसमें क्या था, इसमें 2005 में जब ये केस हुआ, हवाला दे दिया गया था 2000 के, जो यहां पर 2002 के अंदर जो केस हुआ था टीएमए पाई, इसमें इसी निर्णय को वापस दोहरा दिया गया था कि जो टीएमए के अंदर हमने जो फैसला दिया है आप उसी को मान लीजिए। कानूनी स्थिति स्पष्ट करती है कि अब से भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे। देखना, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दो तरीके से अल्पसंख्यक का डिसाइड किया जाता है, और दोनों ही स्थिति निर्धारित करने की इकाई क्या होगी? राज्य होगी, यानी स्टेट लेवल के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि किसी स्टेट के अंदर, यहां पर बोले तो पंजाब के अंदर, जैसे मैंने कहा 38% तक जो है वो हिंदू है, तो ये राज्य सरकार यानी पंजाब सरकार है वो ये डिसाइड करेगी कि हिंदू जो है यहां पर माइनॉरिटी के अंदर है। क्लियर? याचिका में दावा किया गया था कि NCMEI यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट 2004 केंद्र को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करता है, जो एक तरीके से बहुत ज्यादा गलत है और यहां पर वो एक अपमानजनक है। अगर केंद्र के पास ही ये पावर होगी कि वो ही डिसाइड करेगा कि किसी भी राज्य के अंदर या फिर कहीं कि पूरे देश के अंदर कौन यहां पर माइनॉरिटी के अंदर है, कौन मेजोरिटी के अंदर है, तो ये एक तरीके से मनमाना हो जाएगा कि भी जरूरी नहीं एक समुदाय जो कहीं पर माइनॉरिटी के अंदर है वो कहीं पर मेजोरिटी के अंदर भी तो हो सकता है। तो यहां पर NCMEI अधिनियम यानी जो एक्ट 2004 है उसकी सेक्शन नंबर 2 क्लोज F भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए केंद्र को शक्ति प्रदान करता है। यानी NCMEI जो एक्ट है 2005 उसकी धारा यानी उसके सेक्शन 2 क्लोज F भारत यानी केंद्र सरकार को ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो भारत के अंदर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है। क्लियर? और यहां पर ये इल्जाम भारत सरकार के ऊपर लगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लगा कि उनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो अपनी पावर का गलत ढंग से और उनका कोई लॉजिकल नहीं होगा और एक अपमानजनक तरीके से वो इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इसका जवाब दिया, कहा कि देखिए, याचिकाकर्ताओं को इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, देखिए उक्त राज्यों के नियमों के अनुसार संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं। केंद्र ने बताया कि देखिए केवल केंद्र ही नहीं, केवल राज्य भी जो है वो माइनॉरिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि उसके राज्य में कितनी संख्या के अंदर कोई समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो वहां पर जो है वो माइनॉरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि महाराष्ट्र के अंदर 2016 में जो ज्यूइस लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। यहां पर केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकार ने यहां पर यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। और बात करें कर्नाटक के अंदर भी उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी, गुजराती, ये जो है अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया गया था। अब आप सोचकर देखिए, राज्य के आधार पर यहां पर किसी राज्य के अंदर माइनॉरिटी का डिसाइड करना, क्या ये सही है गलत? तो सोचकर देखना, हमारे देश में सबसे पहला जो राज्य बना था भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश बनाया, किसके आधार पर था? भाषा के आधार पर। तो ऑब्वियसली वहां पर तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी और हिंदी बोलने वालों की लोगों की संख्या मतलब तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। तो यहां पर हिंदी लोगों के लिए तो एक तरीके से वो माइनॉरिटी के अंदर कंसीडर होंगे। जब एक राज्य का गठन भाषा के आधार पर हो सकता है, तो भाषा के आधार पर वहां पर लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता? क्लियर? देखिए, संसद और राज्य विधानसभाएं अल्पसंख्यकों को एवं उनके हितों का संरक्षण के लिए समवर्ती सूची में तहत कानून बनाने की शक्तियां हैं। हमारे राज्य, हमारे संविधान के अंदर 3 सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर
पावर दी गई है राज्य सरकार को भी और संसद को भी, यानी कि पार्लियामेंट को भी पावर है और राज्य की विधानसभाओं को भी पावर है कि वो अपने राज्य के अंदर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं और उनके हितों का संरक्षण वो कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, यहां पर यहूदी, बहावाद, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, यह अल्पसंख्यक घोषित करने जैसे मामले स्थापित हो सकते हैं। और वहां पर जो ये राज्य सरकार है अपनी पसंद के, अपने राज्य के अंदर ये जो जितने भी हिंदू हो गए, बहावाद हो गए, ये यहूदी हो गए, इन राज्यों में अपनी पसंद के कोई शिक्षा संस्थान को खोलना चाहते हैं, उनका प्रशासन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। और इसके लिए राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करने पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। क्लियर। देखिए, टीएमए पाई फैसले में, फैसले से यह भी पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कहीं भी सीमित नहीं किया गया है। यानी कि अब यह नहीं है कि केंद्र सरकार जो है अब पंजाब के अंदर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित, पंजाब के पास पावर है कि भी किसी समुदाय को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के अंदर घोषित कर सकती है, तो केंद्र सरकार नहीं कर सकती। नहीं भैया, केंद्र सरकार भी कर सकती है, उनकी पावर यहां पर कोई लिमिट नहीं हो सकती। बस यहां पर पंजाब यानी राज्य को भी पावर है कि वो चाहे तो अपने राज्य के अंदर किसी समुदाय को माइनॉरिटी के अंदर घोषित कर सकती है। क्लियर। तो अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए और उनको, उनके बचाने के लिए यानी उनके संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए संविधान के आर्टिकल 246 के तहत संसद को समवर्ती सूची की एंट्री नंबर 20 आर्थिक और सामाजिक योजना के तहत अधिकार दिया गया है कि भी किसी समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय, किसी समुदाय को माइनॉरिटी का मतलब उसमें घोषित कर सकती है, माइनॉरिटी के अंदर घोषित कर सकती है और उसके अधिकारों को संरक्षण कर सकते हैं, उनकी भाषा के आधार पर उनको अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। देखिए, संसद के पास, विधायी और केंद्र के पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने की कार्यकारी क्षमता है। क्लियर हुआ यह सब। अब देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए हमारे देश में जो संविधान के अंदर जो आर्टिकल दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 29 है और एक आर्टिकल 30 है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 29 के अंदर यह दिया गया है कि भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग में निवास नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। यानी अगर किसी की ऐसे लग रहा हो कि उसकी भाषा अब लुप्त होने वाली है तो वो अपनी भाषा को प्रमोट कर सकता है, अपने लिपि को प्रमोट कर सकता है। क्लियर हुआ। और आर्टिकल 29 के तहत प्रदान किए गए अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए हैं। देखिए, आर्टिकल 29 और 30 वैसे माने जाते हैं माइनॉरिटी के लिए, लेकिन 29 जो है वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए ही सही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात बोली थी कि माइनॉरिटी जो है यहां पर भाषा के आधार पर और रिलीजियस के आधार पर, दोनों के आधार पर उनको बढ़ावा देने की बात हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में नागरिक, नागरिकों के वर्ग शब्द के उपयोग से अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं। तो 29 कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों लोगों की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो केवल और केवल माइनॉरिटी के लिए ही बात करता है। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है, धर्म या भाषा के आधार पर। ध्यान रखना, किसका संरक्षण, किसको मतलब यहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 30 के तहत, जहां पर आर्टिकल 29 के अंदर विस्तारित किया गया था कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक यानी माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों आ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 30 के अंदर केवल और केवल माइनॉरिटी ही आ सकती है और इसका विस्तार नहीं किया गया है मेजोरिटी तक। अब आगे चलते हैं। एक आर्टिकल 30B भी है। ये बी का मतलब देखिए, किसी भी अगर आर्टिकल के साथ आपको कैपिटल के अंदर कोई आपको अल्फाबेट मिल जाए तो समझ जाना उसको अमेंडमेंट के दौरान यानी संविधान संशोधन के दौरान उसको जोड़ा गया है, और किसी के साथ आपको कैपिटल के साथ यानी कि मतलब स्मॉल लेटर के अंदर मिले तो समझ जाना वो एक उसका क्लोज है। क्लियर, ठीक है, ये उसका क्लोज की बात होती है, सब क्लोज, ठीक है। और अगर बड़ा आपको ऐसे बी मिले तो समझ जाना वो एक कैपिटल के अंदर मिले तो संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग उसको जोड़ा गया है। अगर छोटा बी मिले तो
समझ जाना कि वो एक सब क्लोज है। तो देखिए मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। सातवें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 350 बी को जोड़ा गया था, जिसमें क्या था कि भारत के राष्ट्रपति जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं, क्लियर। अब भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा एनएमसी अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। देखिए 1992 में एनसीएम एक्ट 1992 अधिनियम के साथ अल्पसंख्यक आयोग एमसी एक वैधानिक निकाय बन गया था और इसका नाम बदलकर एनसीएम कर दिया गया था। 1993 में पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था, जिसमें 5 धार्मिक समुदाय जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, इनको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। और 2014 के अंदर जो जैन है उनको अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया था यहां पर, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि भारत के अंदर राज्य के आधार पर भी जो समुदाय है, जो वो हिंदू है, जो वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, राज्य के आधार पर भी उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है, क्लियर। तो वीडियो पसंद आई है तो बेशक इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और पीडीएफ के लिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पीडीएफ कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।